हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स न्यूज देता रहता हूं जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहां पे दिख रहा होगा हैंडल, जाओ और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि T20 इंटरनेशनल के अंदर हाईएस्ट स्कोर किस प्लेयर ने बनाया है और आप सभी ने उसका एकदम सही आंसर दिया था। उसका आंसर एरोन फिंच, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन की काफी कमाल की पारी खेली थी। और आज का क्वेश्चन ये है कि आईपीएल की हिस्ट्री के यंगेस्ट कैप्टन कौन है, यानी सबसे कम उम्र के अंदर किस प्लेयर ने आईपीएल में कप्तानी करी थी। आपका जवाब बताओ मुझे कमेंट के अंदर। गूगल इस बारे बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो क्रिकेट न्यूज की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया की सीरीज को लेकर। तो अक्टूबर के अंदर होने वाली T20 सीरीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो कुछ ही दिनों में ऑफिशियली कैंसिल होने वाली है। इसके दो बातें, पहली बात ऑब्वियसली बात है इंडिया दो बार ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल नहीं करेगा और दूसरी बात आईपीएल होगा, इस वजह से उस सीरीज को कुछ ही दिनों में ऑफिशियली कैंसिल कर दिया जाएगा। और दूसरी बात जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो भी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन होगी। अभी 3 दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है लेकिन आजकल आपको एक महीना पहले पहुंचना पड़ता है और इसी वजह से आईपीएल खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उस सीरीज को 2 हफ्ते पोस्टपोन कर सकते हैं। वो सीरीज 15 दिसंबर स्टार्ट होगी, यानी हमको T20 सीरीज ऑब्वियसली कैंसिल हो जाने वाली है। साथ ही साथ में जो टेस्ट सीरीज होगी 2 हफ्ते पोस्टपोन होगा और ये होगा आईपीएल की वजह, तो जरूर से आईपीएल होने वाला है और बाकी सीरीज तो पोस्टपोन होगी और T20 सीरीज कैंसिल हो जाने वाली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और अगली खबर आ रही है बिग बैश लीग की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली इस साल होने वाले बिग बैश लीग का शेड्यूल लॉन्च कर दिया। जी हां, इस साल होने वाली बिग बैश लीग का शेड्यूल आ चुका है और ये क्रिकेट फैंस के लिए काफी कमाल की बात होने वाली है। और इस साल बिग बैश काफी लंबा होगा और ये 2 महीना 3 दिन चलने वाला है। 3 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला इस साल का बिग बैश और इसका फाइनल खेला जाएगा 6 फरवरी को। जी हां, 6 फरवरी को फाइनल मैच होने वाला है। डबल हेडर काफी कम कर दिए गए हैं और हर दिन ऑलमोस्ट एक ही मुकाबला खेला जाएगा। और सबसे पहला मुकाबला होगा एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में और यह मुकाबला खेला जाएगा एडिलेड के एडिलेड ओवल में। तो जरूर से क्रिकेट फैंस के लिए काफी कमाल की खबर आ रही बिग बैश लीग की तरफ से। मैं इस शेड्यूल के ऊपर पूरा वीडियो बनाने वाला हूं, जो वीडियो कल आएगा चैनल पर। जी हां, आपको कल सुबह बिग बैश के ऊपर एक वीडियो मिलने वाला है। आज शाम को आएगा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का प्रीव्यू और कल सुबह का बिग बैश वीडियो। तो जरूर से उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सब्सक्राइब करना काफी जरूरी होने वाला है ये दो काफी बड़ी वीडियोस के लिए। अगर मैं अगली खबर के बारे में बात करता हूं, वो आ रही पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से। तो जैसा कि हम सबको पता है कि इस साल नवंबर दिसंबर के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के बचे मुकाबले खेले जाएंगे और ये मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। जी हां, इन सब मुकाबलों को पाकिस्तान में खेला जाएगा। पहले खबर आ रही थी UAE में होंगे लेकिन ये मुकाबले अब पाकिस्तान में खेले जाएंगे और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के अंदर ये सारे मुकाबले होते हैं। तो जरूर से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए भी काफी अच्छी खबर आ रही है कि सारे के सारे मुकाबले पाकिस्तान में होने वाले हैं। अगर मैं चौथी खबर के बारे में बात करता हूं, वो आ रही इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 14 जुलाई को पिछले साल इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था लेकिन कल ऑयन मॉर्गन ने काफी कमाल की बात बताई उस वर्ल्ड कप को लेकर। उन्होंने बताया कि फाइनल के अंदर सुपर ओवर से पहले बेन स्टोक्स ने स्मोकिंग ब्रेक लिया था। जी हां, बेन स्टोक्स ने सिगरेट परी थी दो भी सुपर ओवर से पहले तक स्ट्रेस आउट हो जाए, हालांकि अलाउ नहीं होता लेकिन फिर भी उन्होंने स्मोकिंग ब्रेक लिया था और वो इतना अच्छा खेले कि इंग्लैंड फाइनली चैंपियन बन गए। तो जरूर से एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताई ऑयन मॉर्गन ने पिछले साल होने वाले वर्ल्ड कप मुकाबले के बारे में। और आखिरी खबर आ रही केन विलियमसन और विराट कोहली की तरफ से। तो जैसा कि हम सबको पता है कि दोनों काफी जबरदस्त प्लेयर है और कंपैरिजन करना काफी मुश्किल है दोनों प्लेयर्स के बीच में, लेकिन कल न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्लेन टर्नर ने एक काफी बड़ा बयान दिया केन विलियमसन और विराट कोहली के ऊपर। उन्होंने काफी डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में केन विलियमसन एक जबरदस्त प्लेयर, विराट कोहली, उन्होंने कहा कि जब पिच टफ हुआ थी ग्रीन टॉप भी उसके अंदर केन विलियमसन काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, इस वजह से डिफिकल्ट ट्रैक्स के ऊपर केन विलियमसन एक बेटर बल्लेबाज है विराट कोहली से। आप बताओ मुझे कमेंट में कि आपकी क्या राय है इस फैक्ट के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्रिकेट न्यूज से इतना ही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।